चुनावी कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त रोहित व्यास को भिलाई नगर विधानसभा क्रमांक 65 का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। इस दौरान भिलाई निगम में हितग्राहियों के कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निगम आयुक्त ने अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके। विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यों के लिए भिलाई निगम के 600 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। भिलाई नगर में नियमित कर्मचारियों की संख्या 800 है। ऐसे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। इनके अलावा सभी अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्य में लगा दी गई है। बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन मिटाने से लेकर मतदान केंद्रों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार, शिकायत निराकरण, फोटोकॉपी कार्य, मतदान केंद्र, चुनावी व्यवस्था आदि में अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के बावजूद निगम के कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निगम आयुक्त द्वारा आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों को कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है। निगम के कार्य लगातार जारी हैं। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। राष्ट्रीय पर्व के रूप में मतदान को देखा जाता है। सरकार के निर्देश है कि मतदान जो है सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया जाए, इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय श्री रोहित व्यास जी ने नगर निगम के सभी केंद्रों की व्यवस्था के साथ साथ मतदान में जो कर्मचारी लगे हैं उसके उनकी ड्यूटी का लगातार आदेश प्रसारित जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने बिजली, पानी, सफाई जैसे आवश्यक सेवाओं को प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन कर्मचारियों को अछूता किया गया है निर्वाचन कार्य से। साथ ही जैसे जनता से जुड़े हुए जो काउंटर हैं, हेल्प डेस्क हैं, इन विभागों में भी जो कर्मचारी हैं वे भी अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। इसके लिए आयुक्त महोदय ने वैकल्पिक व्यवस्था करके रखा है। आयुक्त महोदय का सीधा सीधा संदेश है कि निर्वाचन कार्य होने के बाद भी जनता जो निगम में आते हैं अपने कार्य के लिए वो इससे कार्य प्रभावित। निगम के कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है जो अपने विभागों के साथ साथ अन्य विभागों का कार्य भी देखेंगे। निगम आयुक्त की इस व्यवस्था से अपने कार्यों को लेकर निगम पहुंचे लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।